जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस नशा तस्करों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा रही है। इसी संदर्भ में पुलिस थाना इंदौरा के तहत एक महिला से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत 48 वर्षीय एक महिला कमलेश कुमारी ने सड़क पर एक महिला पुलिस को देखकर पीछे भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस को शक हुआ और तुरंत महिला कांस्टेबल ने कमलेश कुमारी को काबू कर लिया। डीएसपी ज्ञानचंद ठाकुर ने बताया कि महिला ने अपने हाथ में प्लास्टिक पाउच लिया हुआ था और जिसे पुलिस को देखकर उसने नीचे सड़क पर फेंक दिया। जब पुलिस ने सख्ती से महिला से पूछताछ की तो महिला ने कबूल किया कि इसमें चिट्टा है और वो इसे बेचने के लिए जा रही थी। पुलिस ने महिला से 4.53 ग्राम सफेद हल्के दानेदार पाउडर नुमा चिट्टा बरामद किया और महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरक्षी मेघराज की अगुवाई में तमोता गांव मिलवा में जो है चीटा पकड़ा गया। जो चीटा जो है वो कमलेश वाइफ ऑफ लेट श्री जुमा गांव तमोता मिलवा के पास से 4.53 ग्राम चीटा और एक हीरोइन पकड़ी गई है, जिसका किया एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है इंदौरा थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो है चीटे के खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो जारी है और जगह जगह इसके जो है तलाश की जा रही है कि कहाँ चीटा किस किस गांव में और किस जगह बिकता है, उसका जो है सोर्स छुड़े हुए हैं और कुछ दिनों बाद शीघ्र ही और एक कामयाबी मिल सकती है। सिटी चैनल के लिए जवाली से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।